हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एमसीक्यूज को देखेंगे। क्या करा मार्क द करेक्ट अल्टरनेटिव इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 से देखिए क्या करा कि इन द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू में कॉस मोड एक्स माइनस टू ए एक्स प्लस बी इंक्रीजेज अलॉन्ग द इंटीज नंबर स्केल। देन यहाँ पे हमें ए और बी जो भी है उसके बीच में रिलेशन हमें दिखाना है। चलिए देखिए एफ एक्स इक्वल टू में फंक्शन दिया है कॉस मोड एक्स माइनस का टू ए एक्स प्लस बी। अगर हम लोग कॉस मोड एक्स की बात करें तो अगर एक्स जीरो से ग्रेटर और इक्वल हो तो कॉस मोड एक्स का वैल्यू प्लस का हो जाएगा, और एक्स जीरो से लेस देन हो तो मोड एक्स का वैल्यू माइनस एक्स होगा, और कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स के ही इक्वल होता है। यानी कि कॉस मोड एक्स हमेशा किसी एक्स के किसी भी वैल्यू के लिए प्लस का कॉस एक्स ही होगा। यानी कि फंक्शन अब आपका इस तरह से हो जाएगा कॉस एक्स माइनस का टू ए एक्स प्लस का बी। अब इसे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ से एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा माइनस का साइन एक्स और माइनस का टू ए। अब आपके पास ऊपर इंक्रीजिंग कह रहा है, आपके पास क्या कह रहा है कि एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग तो इंक्रीजिंग है, तो यहाँ पे हो जाएगा एफ डैश एक्स इज जीरो से ग्रेटर और इक्वल भी आप ले सकते हैं। यानी हो जाएगा माइनस का साइन एक्स माइनस टू ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। इसको उधर ले जाते हैं तो माइनस का साइन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू ए, यानी हो जाएगा टू ए इज लेस देन इक्वल टू माइनस का साइन एक्स। अब यहाँ पे मैक्सिमम ऊपर कर रहा था, इंक्रीजिंग कर रहा था, यहाँ पे लिख सकते हैं कि लिस्ट वैल्यू ऑफ माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स का लेस्ट वैल्यू क्या होगा वो माइनस का वन होगा। यानी कि टू ए इज लेस देन इक्वल टू माइनस वन, यानी कि ए इज लेस देन इक्वल टू किस से माइनस वन बाई टू से। तो ऑप्शन देखिए इसके अकॉर्डिंग कौन सा दिया है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी नंबर दिख रहा है। चलिए यहाँ पे देखिए 22 नंबर, तो फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू में दिया हुआ है आपके पास एक्स बाई में वन प्लस मोड एक्स। तो इसमें दो बातें आती हैं, अगर एक्स जीरो से ग्रेटर और जीरो के इक्वल होगा तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा मोड एक्स, और जीरो से लेस देन होगा तो निगेटिव में हो जाएगा। अब दोनों को लेकर हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा। देखिए मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, इसका डिफरेंस नीचे वाले का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ऊपर आएगा इसका डिफरेंशिएशन वन, इसको वैसे ही रखेंगे, देखिए फिर माइनस देंगे एक्स को वैसे ही रखें और इस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वन, ठीक है। तो यहाँ x से x कट जाएगा, वन ऊपर बच जाएगा, ठीक है। वही चीज अब नीचे यहाँ पे देखिए, नीचे वाले का स्क्वायर हो जाएगा, बस ऊपर क्या आ जाएगा यहाँ वन माइनस एक्स होगा और यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन माइनस का वन आ जाएगा, है ना जी। तो यहाँ वन माइनस एक्स और फिर प्लस का एक्स, ये भी वन है, यही आ जाएगा, तो एक्स इज लेस देन जीरो। तो यहाँ पे दोनों से पता क्या चल रहा है कि x का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो लेस देन जीरो लेने पे यहाँ पे इसका वैल्यू जो हो रहा है हमेशा जीरो से ग्रेटर हो रहा है ना, हमेशा जीरो से ग्रेटर हो रहा है दोनों कंडीशन में, तो इंक्रीजिंग ना फंक्शन होगा, है ना जी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23, द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू में यहाँ पर दिया हुआ है लेमडा साइन एक्स प्लस का टू कॉस एक्स बाई में साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स इज इंक्रीजिंग इफ, अच्छा लेमडा के किस वैल्यू के लिए। चलिए पहले इसे डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ डैश एक्स क्या होगा, नीचे वाले का स्क्वायर कर दो, इसका डिफरेंशिएशन लेमडा कॉस एक्स माइनस टू साइन एक्स और नीचे वाले को वैसे ही साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स, फिर माइनस ऊपर वाले को ऐसे ही लेमडा साइन एक्स प्लस का टू कॉस एक्स और नीचे डिफरेंशिएशन साइन का कॉस और कॉस का माइनस का साइन। चलिए अब इसके बाद हम लोग ऊपर मल्टीप्लाई करके देखते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा आपका लेमडा साइन एक्स कॉस एक्स प्लस का लेमडा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस का टू साइन एक्स कॉस एक्स, फिर यहाँ माइनस ये माइनस इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो लेमडा साइन एक्स कॉस एक्स इसे मल्टीप्लाई करना तो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा आपका आ जाएगा लेमडा साइन स्क्वायर एक्स, फिर इससे इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो टू कॉस स्क्वायर एक्स, बाहर माइनस है माइनस का टू कॉस स्क्वायर एक्स, फिर प्लस माइनस माइनस और बाहर माइनस है तो प्लस टू साइन एक्स कॉस एक्स, और बाई में जो है आपका वो रहने देते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का
होल स्क्वायर। अब देखिए इसमें क्या कटने वाला है, ये इससे कट जाएगा, ठीक है, और इसके बाद ये वाला टर्म इससे कट जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ अब देखिए एक काम करते हैं, यहाँ ये लेमडा वाले को लेमडा वाले के साथ और ये टू साइन स्क्वायर प्लस इसको लेते हैं, लेमडा कॉमन करेंगे, यहाँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर बचेगा, माइनस टू कॉमन करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे भी साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा, और नीचे जो है आपका वही रहेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। चलिए ये एफ डैश एक्स है, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू में हो जाएगा, इसका तो वैल्यू वन यानी लेमडा माइनस टू बाई में साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स का होल स्क्वायर। एफ एक्स इंक्रीजिंग कह रहा था लेमडा की किस वैल्यू, तो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग 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 कब जब होगा, जब एफ डैश एक्स जीरो से ग्रेटर होगा, यानी कि हो जाएगा यहाँ पर लेमडा माइनस टू बाई में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए यहाँ जो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का वैल्यू देख रहे हैं इसका होल स्क्वायर, ये तो हमेशा जीरो से ग्रेटर नहीं होगा, तो यहाँ पर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेमडा माइनस टू इज ग्रेटर देन, यानी कि लेमडा इज ग्रेटर देन टू, लेमडा का वैल्यू टू से ग्रेटर होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं टू से ग्रेटर कहाँ कह रहा है, यानी कि डी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन आर इफ, अच्छा इंक्रीजिंग होगा आर पर कब, तो यहाँ देखिए एफ एक्स इक्वल टू में दिया है ए टू द पावर एक्स, इसे डिफ्रेंशिएट कर लो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा ए टू द पावर एक्स लॉग ए, यही ना होगा। चलिए अब इसके बाद देखिए इंक्रीजिंग कह रहा है, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, तो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, यानी ए टू द पावर एक्स लॉग ए इज ग्रेटर देन जीरो, ए टू द पावर एक्स जो है ये हमेशा जीरो से ग्रेटर होगा, है ना, क्योंकि यहाँ ये a जीरो से ग्रेटर होगा, इसलिए ए टू द पावर एक्स भी जीरो से ग्रेटर होगा। क्यों ए जीरो से ग्रेटर होगा, क्योंकि लॉगरिथमिक है ना, लॉगरिथमिक फंक्शन तभी डिफाइन होता है, आप लिख सकते हैं कि लॉगरिथमिक फंक्शन इज डिफाइंड व्हेन a इज ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पे यानी कि अब ये लॉग a इज ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये जीरो से ग्रेटर है तो ये भी जीरो से ग्रेटर होगा, तभी तो पॉजिटिव 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 हो जाएगा, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं कि a इज ग्रेटर देन e टू द पावर जीरो, यानी a इज ग्रेटर देन वन, वन से ग्रेटर होगा, ये ऑप्शन में देखिए d नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर का, देखिए क्या कह रहा है, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू में लॉग एक्स बेस में a दे दिया है इंक्रीजिंग ऑन r, अच्छा कब होगा, डिफ्रेंशिएट करते हैं पहले x के रेस्पेक्ट में, f डैश x क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स लॉग a। चलिए अच्छा एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन r, इंक्रीजिंग है यानी कि f डैश x जो होगा जीरो से ग्रेटर होगा, यानी कहने का मतलब है कि 1 बाई एक्स लॉग a जो होगा ग्रेटर देन जीरो होगा। अब देखिए यहाँ पर 1 बाई एक्स हमेशा जीरो से ग्रेटर होगा ना, है ना, हमेशा जीरो से ग्रेटर होगा ऑन x बिलोंग्स टू रियल पॉजिटिव के लिए, है ना जी। चलिए तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि 1 बाई लॉग a भी जीरो से ग्रेटर होगा, तो ये कब जीरो से ग्रेटर होगा, जब लॉग a जीरो से ग्रेटर होगा, यानी कि a इक्वल a इज ग्रेटर देन e टू द पावर जीरो, यानी a इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा जी, ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा b नंबर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 नंबर, क्या कह के लेट फाइव एक्स इक्वल टू में एफ एक्स प्लस का एफ टू ए माइनस का एक्स एंड एफ डबल डैश एक्स सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू ए। चलिए तो अगर आप इसे डिफ्रेंशिएट करोगे यहाँ पे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पर फाइव डैश एक्स क्या आ जाएगा एफ डैश एक्स, और यहाँ माइनस का ये इसका अंदर का डिफरेंस माइनस वन होगा इसलिए माइनस लगा दे रहे हैं एफ डैश टू ए माइनस का एक्स, ठीक है। आपके पास ऊपर दिया हुआ है कि एफ डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स जो है वह जीरो से ग्रेटर है, तो जब ये जीरो से ग्रेटर है यानी कि एफ डैश एक्स इज इंक्रीजिंग हो जाएगा, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग फंक्शन, है ना,
फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 टू a। चलिए अच्छा, अब इसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि 2a माइनस एक्स जो होगा ग्रेटर होगा x से, बिल्कुल ग्रेटर होगा, है ना जी। चलिए अब इसके बाद देखिए, तो अगर हम लोग यहाँ पर f 2a माइनस एक्स की वैल्यू की बात करें तो इसका वैल्यू भी यहाँ पर f डैश 2a माइनस एक्स की बात करें तो वो f डैश एक्स से वैल्यू से ग्रेटर होगा, क्योंकि ये इंक्रीजिंग f डैश एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो अगर 2a माइनस एक्स x से ग्रेटर है तो f डैश 2a माइनस एक्स f डैश एक्स से ग्रेटर होगा, इसके अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसलिए तो इसका मतलब इसको अगर हम लोग इधर लेके आए तो f डैश एक्स, या फिर इसी को उधर लेके चल जाते हैं, f डैश एक्स माइनस का f डैश 2a माइनस एक्स इज लेस देन 0, लेस देन 0। तो ये किसका डेरिवेटिव है, ये फाइव डैश एक्स का डेरिवेटिव। तो फाइव डैश एक्स जीरो से लेस देन हुआ, तो जीरो से लेस देन हुआ इसका मतलब कि ये कैसा फंक्शन हो गया, डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया ना जी, उसी इंटरवल 0 टू a पर। तो 26 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, b नंबर ना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 नंबर, इफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू में एक्स स्क्वायर माइनस का के एक्स प्लस का 5 इज इंक्रीजिंग ऑन 2 से 5, तो अगर इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो f डैश x क्या आ जाएगा, 2x माइनस का k। अच्छा आपके पास ऊपर दिया हुआ है कि एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन 2 से 4, यानी कि f डैश x जो होगा यहाँ 0 से ग्रेटर होगा, ठीक है, यानी 2x माइनस k इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं k इज लेस देन 2x, ठीक है। तो इंक्रीजिंग पूछ रहा था ना यहाँ पे, इंक्रीजिंग, तो हम लोग यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे एट x इक्वल टू किस पे देख लेंगे, तो इंक्रीजिंग था तो मिनिमम वैल्यू की बात करेंगे यानी 2 पर, तो k का वैल्यू लेस देन हो जाएगा 2 इंटू 2, यानी कि k इज लेस देन 4, 4 से लेस देन यानी कि k बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से 4 के बीच। तो माइनस इन्फिनिटी से 4 के बीच देखिए ऑप्शन में कहाँ है, डी नंबर ना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर, एफ एक्स इक्वल टू में दिया हुआ है माइनस का x बाई 2 प्लस का साइन x। चलिए अब इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, इंटरवल पे पूछ रहा है क्या होगा, चलिए पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं तो पता चल जाएगा। एफ डैश एक्स आ जाएगा माइनस का 1 बाई 2 और प्लस का cos x। अच्छा इसका वैल्यू देखो इस इंटरवल के बीच यहाँ पे हमेशा 0 से ग्रेटर होगा, माइनस फॉर ऑल, यहाँ लिख सकते हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 3 टू पाई बाई 3, ठीक है। इसके बीच में ये हमेशा 0 और 0 से ग्रेटर होगा, ठीक है, 0 होगा या 0 से ग्रेटर होगा, 0 भी हो जाएगा, पाई बाई कॉस पाई बाई 3 तो 1 बाई 2 ही होता है ना, तो 0 आ जाएगा और 0 से ग्रेटर भी हो सकता है, तो यानी ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, इफ द फंक्शन एफ एक्स यहाँ पर दिया है इंक्रीजिंग है r पर तो k का किस वैल्यू के लिए इंक्रीजिंग होगा। एफ एक्स इक्वल टू में दिया है एक्स क्यूब माइनस का 9kx² प्लस का 27x प्लस का 30। चलिए अब इसे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं पहले x के रिस्पेक्ट में, तो f डैश x आ जाएगा यहाँ पे 3x² माइनस का 18kx और प्लस का 27। अब यहाँ से 3 कॉमन कर लेते हैं तो x² माइनस का यहाँ पर आ जाएगा 6kx और प्लस का 9, यही ना हो जाएगा जी। चलिए अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या कह रहा है कि एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन आर, इंक्रीजिंग है यानी कि एफ डैश एक्स क्या होगा 0 से ग्रेटर होगा, यानी आ जाएगा 3 इंटू में x² माइनस का 6kx प्लस 9 इज ग्रेटर देन 0। अब इसके 3 को हटा देंगे, x² माइनस 6kx प्लस 9 इज ग्रेटर देन 0, तो ये 0 से ग्रेटर होने के लिए यहाँ डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, लेस देन 0 होगा, है ना जी। तो यानी कि हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि माइनस 6k² माइनस का 4 इंटू में 1 इंटू में 9 इज लेस देन 0, 36k² माइनस का 36 इज लेस देन 0, यानी कि 36k² इज लेस देन 36, ये जाएगा डिवाइड में तो k² इज लेस देन 1, यानी कि k² जब लेस देन 1 होगा तो यहाँ पे k का वैल्यू क्या मिलेगा, माइनस 1 से 1 तक के बीच में होना चाहिए,
देखिए ऑप्शन में माइनस वन से वन तक के बीच में होना चाहिए, यानी कि माइनस वन से वन तक के बीच में होना चाहिए, तो उसका वैल्यू वन से लेस देन आएगा। तो ऑप्शन में देखिए 29 का यहाँ पे इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है, माइनस वन से वन तक होना चाहिए, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, है ना। नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर, इफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, क्या दिया है जी, x का पावर 9 प्लस का 3x का पावर 7 प्लस 64 इज इंक्रीजिंग ऑन, किस पे इंक्रीजिंग होगा। चलिए पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ से f डैश x क्या आ जाएगा, 9x का पावर 8 प्लस का 21x का पावर 6। तो यहाँ देखिए पावर में यहाँ पे इवन नंबर है इनके, तो ये हमेशा 0 और 0 से ग्रेटर होंगे, x की जगह कोई भी रियल नंबर रखिए, यानी कि इंक्रीजिंग होगा किसी भी रियल नंबर के, 30 का ए नंबर हो जाएगा। तो ये आपका पूरी तरह से चैप्टर कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा, पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर, आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहां जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल की वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।